हाँ दीपक सिंह अते तुसी देख रहे हो बोलदा पंजाब टीवी। बोलदा पंजाब टीवी देखते हुए तमाम दर्शकों नू प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते अते अस्सलाम वालेकुम। अज बोलदा पंजाब दी टीम पहुंची है लाहौर दे एक इलाके जिहदा नाम दिल्ली दरवाज़ा है, बहुत मशहूर जगह है। उत्थे एक मुगलिया दौर दा शाही हमाम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन्हें दोबारा रिकवर किया है, अज अस तुहानू ओह विजिट करवावांगे, ओह दिखावांगे कि ओह मुगलिया दौर दे विच जो हमाम सी जो उदों उस टाइम दे मुगल बादशाह सन वह किस तरह के हमाम यूज़ करते सन, इस्तेमाल करते सन, अज अस तुहानू ओह दिखावांगे। इस टाइम मैं मौजूद हाँ शाही हमाम की एंट्रेंस से, जिथे तुसी देख सकते हो मेरे पिछे जो फोटोज़ लगिया हुई ने, मैं तुहानू नाल नाल दसदा जावां जो फोटोज़ लगिया हुई ने यह उन्हां लोगों दीआं फोटोज़ ने जो इत्थे आ के विजिट करके गए ने, जिस तरह जिहड़े साडे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी वह भी इत्थे आए, उन्हां दी भी फोटो लगी हुई है जो इत्थे आ के विजिट करके गए। ब्रिटिश हाई कमीशन, मलेशिया अंबैसी दे अंबैसडर, होर भी बहुत सारिया ऐसिया खास शख्सियतां जो इत्थे आईयां अते आ के शाही हमाम विजिट करके गई। मैं दसदा जावां कि US कौंसल जनरल भी इत्थे आ के शाही हमाम नूं विजिट करके गए। सो आओ तुहानूं मैं अंदर शाही हमाम विजिट करवाना। असीं हुण अंदर मौजूद हाँ, तुहानूं अंदर विजिट करवाने हाँ। हिस्ट्री मुताबक जदों मेरी इत्थे गलबात हुई इत्थों दे इंतजामिया नाल, उन्हां दा कहना सी कि तकरीबन अज तों 4-425 साल पुरानी जिहड़ी है बिल्डिंग है, तकरीबन 4-425 साल पुरानी है। इस बिल्डिंग नूं जदों इहदे इर्द गिर्द जदों बाकी इमारतां बणियां ते बिल्डिंग थल्ले जा चुकी सी, इहदे उपर भर्ती पै चुकी सी, लेकिन इहनूं दुबारा नीचों कढ के इहनूं दुबारा संभाल कीती गई है। इहदी तुसी देख सकते हो कि असी इस टाइम जो शाही हमाम दा अंदर दा जो एरिया है असी उत्थे मौजूद हाँ। उही छोटी इट दे नाल इहनूं तमीर किया गया है जो पुराने वक्तां दे विच छोटी इट यूज़ होंदी सी। मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि वह तुहानूं दिखाण कि उस तरह दी छोटी इट दे नाल पूरा शाही हमाम जिहड़ा है वह बनाया गया है। आओ तुहानूं अगे लै के चलदे हाँ। जिस जगह पर मैं इस टाइम मौजूद हाँ, इहदे चार दरवाजे ने, लैफ्ट राइट बैक ते मेरी फ्रंट ते। इन्हां चार दरवाज़ों का मकसद यह सी कि जो साडी इत्थे दी इंतजामी नाल गल हुई, उन्होंने सानू दस्या इत्थों दी हिस्ट्री कि जिहड़े बहुत सारे लोग जो बरसगीर तो खास तौर पर इत्थे आते सी कोई बादशाह नूं मिलण वास्ते, कोई अपने बिजनेस वास्ते, क्योंकि यह मेन दिल्ली गेट है, लाहौर की एक जगह है दिल्ली गेट, यह मेन दरवाज़ा होंदा सी जिथों आके लोग अंदर एंटर करते सी। यह बिल्कुल दिल्ली गेट के नाल यह हमाम मौजूद है, जदों लोग आते सन इत्थे तो वह पहले इत्थे आके फ्रैश हो के बाद अपने बिजनेस वास्ते या बादशाह मिलने वास्ते इस तो अगे जाते सी। इत्थे एक इंचार्ज मौजूद होंदा सी उस टाइम दे विच, इत्थे एक इंचार्ज मौजूद होंदा सी जो आए हुए लोगों नूं उन्हां नूं तौलिया या होर जरूरत दे जिहड़े कपड़े सी वह देंदे होंदे सी। इस टाइम मैं जिस मुकाम ते मैं इस टाइम मौजूद हाँ, यह है, मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि तुहानूं दिखाण, यह है वह जगह जिथे लोग गुसल लैंदे सी। इहदी साइडां ते जिहड़े लोग इंतज़ार करदे सी उन्हां दे बैठण वास्ते जगह उस टाइम विच मौजूद होंदी सी। मैं दसदा जावां कि इत्थे टोटल 21 कमरे मौजूद हन जिन्हां नूं गर्म रखण वास्ते उन्हां दी जिहड़े कमरियां दी थल्ले बेसमेंट सी उहदे विच पट्टियां दा इंतज़ाम किया गया सी। पानी भी जिहड़ा गुसल वास्ते पानी यूज़ होंदा सी वह भी उन्हां पट्टियां दे विच्चों गुजर के कमरियां तक पहुँचाया जाता सी, क्योंकि सर्दियों के गर्म पानी की जरूरत होंदी है, तो वह बड़ा एक अच्छा सिस्टम है जो वह अज भी इन्हां ने संभाल के रख्या होया है। अज भी उन्हां पट्टियां दे, मैं तुहानूं अगे जाके वह भी दिखावांगा,
अज भी वह भट्ठिया मौजूद हैं जिन्हें विचों पानी गुजर के रूम्स तक पहुँचता सी। उन्होंने भट्ठिया शाही हमाम के नाल नाल इत्थे कमरे भी मौजूद हैं जिहड़े मुसाफर आते सी उन्हां दे आराम वास्ते इत्थे कमरे भी बनाए गए ने जिन्हां दी तादाद 21 दे लगभग है। उन्हां कमरियां नूं गर्म रखण वास्ते उन्हां दे बेसमेंट दे विच भट्ठियां दा इंतजाम किया गया सी जो पानी कमरियां तक या तालाब तक पहुँचाया जाता सी उह उन्हां भट्ठियां दे विच गर्म हो के कमरियां अते तालाब तक पहुँचाया जाता सी। पता जो मेरी मैनू मैं इतों की हिस्टरी पढ़ी तो पता चलिया कि कमरिया के हर कमरे के कोने के एक चिमनी मौजूद होंगी सी जो पानी की भाप उस कमरे को गर्म करके बाहर निकल जाती सी। इस तरह कमरे भी गर्म रहते थे तालाब इस्तेमाल होने वाला पानी भी गर्म रहता सी। यह जी जगह मौजूद है इत्थे जिहड़े मुसाफर आते सी उन्होंने इत्थे मालिश दी जाती सी उन्हों का मसाज किया जाता सी इस करके यह जगह बनाई गई है। यह है जी वो मुकाम जिथे छोटे तालाब मौजूद हैं जो मुसाफिर आते सी अगर उत्थे जगह फुल हो जाती सी जड़ा मैं तुहानू पहले विजिट करवाया उस तो बाद यह छोटे तालाब इत्थे मौजूद हैं इत्थे आके लोग गुसल करते सी। जिस तरह के तुसी जानते हो असी अज तुहानू शाही हमाम का विजिट करवाया साडे नाल इस टाइम मौजूद हैं शाही हमाम के कोतवाल साहब अते डंका प्लेयर। इन्हां दा कहना है कि उस टाइम दे विच अज तो 450 साल पहले जो फरमान आंदा होंदा सी बादशाह वालों तो फरमान पढ़ते सन अज भी उसी तरह इन्होंने उसी ही रवायत नूं बरकरार रखदिया होया इत्थे उही गैटअप उही सारा सिस्टम रखिया होया है। ये पहले डंका वजाणगे फिर यह फरमान सुनाणगे साडे नाल जुड़े रहो नाल देखते रहो बहुत मज़ा आने वाला है जी। चलो
सुनो, दिल्ली गेट के रिहायशियों और गिरदो नवा से आने वाले मेहमानों, शाही फरमान नामा सुनो। मनसबेदार शहर की जानिब से हर खास आम को मुतला किया जाता है कि शाही गुजरगा पर कूड़ा कटकट फैलाना कानूनन और इखलाकन जुर्म है। जा बजा सड़कों और दीवारों पर थूकना और तारीखी इमारतों पर खुशखती से गुरेज करें। कूड़ा कूड़ेदान में डालें और इसको आग हरगिज मत लगाएं। मौजूदा वबा के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। याद रहे कि आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए शहर में कोतवाल तैनात किए गए हैं। अपनी किसी भी शिकायत के लिए कोतवाल से राबता करें, आपकी शिकायत जिल्ले इलाही तक पहुंचा दी जाएंगी। जिल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो। ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।